फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इन द सेंस ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम इन द सेंस आपको कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इन द सेंस ऑफ और इन द सेंस दैट दोनों का इस्तेमाल देखें, ताकि अगर बात इंग्लिश बोलने की हो तो आप कहीं पीछे न रह जाएं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन द सेंस ऑफ का इस्तेमाल देखें, उसके बाद हम इन द सेंस दैट का भी इस्तेमाल देखेंगे। इन द सेंस ऑफ मतलब के मायने में, जैसे अगर आपको कहना हो पैसा कमाने के मायने में वह अच्छा है, तो आप के मायने में के लिए इन द सेंस ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे ही इज गुड इन द सेंस ऑफ अर्निंग मनी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब हो तो आप आईएनजी शक्ल में लिखेंगे, यानी आपका वर्ब जीरंड के शक्ल में होगा। पैसा कमाने के मायने में वह अच्छा है, तो आप कहेंगे ही इज गुड इन द सेंस ऑफ अर्निंग मनी। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लिखने के मायने में वह माहिर है, तो आप कहेंगे इन द सेंस ऑफ राइटिंग ही इज एन एक्सपर्ट। बोलने के मायने में वह शर्मीली है, तो आप कहेंगे इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग सी इज शाई। खाने पीने के मायने में वह चालाक है, तो आप कहेंगे इन द सेंस ऑफ ईटिंग ही इज क्लेवर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इन द सेंस ऑफ का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। आइए फ्रेंड्स, देखें कि इन द सेंस दैट का क्या इस्तेमाल है। इन द सेंस दैट इस मायने में कि, जैसे फ्रेंड्स अगर लिखा हो योर लीडर इज गुड इन द सेंस दैट ही थिंक्स ऑफ द पुअर, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ योर लीडर इज गुड, तुम्हारा नेता अच्छा है। इन द सेंस दैट इस मायने में कि ही थिंक्स ऑफ द पुअर, वह गरीबों के बारे में सोचता है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा इन द सेंस दैट का इस्तेमाल इस मायने में कि के लिए किया गया। द टीचर इज प्रेज़वर्दी, यानी वह टीचर तारीफ के काबिल है। इन द सेंस दैट इस मायने में कि ही टीचेस ऑल सब्जेक्ट्स, वह सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। दिस इंग्लिश चैनल इज यूजफुल, ये इंग्लिश चैनल काफी यूजफुल है, यानी उपयोगी है। इन द सेंस दैट इस मायने में कि आई गेट हेयर व्हाट आई नीड, मुझे यहाँ वो चीज मिल जाती है जिसे मुझे जरूरत होती है या जिसकी मुझे जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ सीखा कि इन द सेंस दैट का इस्तेमाल हम एक सेंटेंस में कैसे करते हैं और उसका क्या मतलब होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इन द सेंस ऑफ और इन द सेंस दैट का इस्तेमाल बड़े शानदार तरीके से समझ में आया। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।